दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चतुर राजकुमारी और चोर राजा। ये गोयल कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राजा और पांच जूतियां। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। गोयल कॉमिक्स का फोल्डर उसके अंदर। तो यहाँ ऊपर जो स्टोरी दे रखी है ये हमने पढ़ ली है, राजा और पांच जूतियां में। अब आगे से पढ़ते हैं। आखिर रूपवती ने समझा बुझाकर राजा वर्षवान को वापस महल भेज दिया। मैं कैसे मान लूं ये सब संयोग है? पहले तो मेरे मित्र अल फुरकान की उंगली में मैंने उस जैसी अंगूठी देखी जो मैंने रूपवती को दी थी, और अब ख्वाजा की पत्नी भी हूबहू रूपवती जैसी। राजा वर्षवान अपने महल तो लौटा है, मगर उनका मन नहीं लग रहा था। जब से रूपवती मेरी जिंदगी में आई है मेरा सुख चैन नष्ट हो गया है। ओफ। इधर रूपवती ने माधव को अगली योजना समझाई। सुनकर माधव ठगासा रह गया। तुम क्या कह रहे हो देवी, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था माधव, मेरे बारे में कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओ, तुम्हारी तो हर बात में राज है। सुनो, मैंने तुम्हारी चारों शर्तें पूरी कर दी है, अब मुझसे विवाह कर लो। सुनकर रूपवती हंस दी। माधव धैर्य रखो, रूपवती तुम्हारी हो चुकी है, मगर अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कैसा उद्देश्य देवी? तुम हमारे राजा वर्षवान के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? तो सुनो माधव, सारे रहस्य आज ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे, पर पहले वर्षवान से बात यह बात कह आओ जो मैंने तुम्हें बताई है, फिर हम यह नगरी छोड़ दें और विवाह कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया है तो अभी यह भी सही, मगर ऐसा ना हो बाद में मैं हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है। तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार काम करो, बेकार की चिंता में न पड़ो। ठीक है, तो मैं अभी जाकर राजा वर्षपान को तुम्हारा संदेश देता हूँ। माधव यानी अल फुरकान राजा वर्षपान के पास रोता कलपता हुआ पहुंचा। मित्र, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं लुट गया मित्र, अब तुम ही मेरी मदद करो। क्या बात होगी दोस्त, मुझसे कहो। अब तुमसे क्या कहूं, मेरा तो गरीब जड़ गया। हाय हाय, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं जो हूं तुम्हारी मदद के लिए। हाय, तुम्हारे तो कारण भी यह सब हुआ है, मगर तुम्हारा भी क्या दोष? यह सब तो मेरे ही भाग्य की खराबी है दोस्त, मैं तो तबाह हो गया। मेरे कारण? मुझे स्पष्ट कहो मित्र, क्या हुआ? मेरे राज्य के किसी अधिकारी ने तुम्हारा अपमान किया है, या किसी लुटेरे ने तुम्हारा धन लूट लिया है, या किसी व्यापारी ने तुम्हें धोखा दिया है? मैं सबकी खाल खिंचवा दूंगा, तुम बताओ तो। मगर ख्वाजा अल फुरकान ने जब अपनी बर्बादी का कारण बताया तो राजा वर्षबान सन्न रह गए। मित्र, जिस दिन से मेरी बेगम ने तुम्हें दावत में देखा है, वह तुमसे शादी करने की रट लगाई पड़ी है, मैं तो बर्बाद हो गया दोस्त। ये तुम क्या कह रहे हो ख्वाजा, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मगर यह सत्य है दोस्त, अगर मेरी बेगम के दिमाग से यह फतूर नहीं निकला तो मैं तो कहीं का नहीं रह सकूंगा दोस्त, उसे समझाओ। महाराज वर्षवान अभी तक आश्चर्य में थे। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं, वो बच्ची तो नहीं है, और ख्वाजा मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मित्र, मेरे साथ चलो और बेगम को समझा दो बस। कोई चारा न देखकर वर्षवान ख्वाजा के घर चलाया, जहां योजना अनुसार रूपवती ख्वाजा की बीवी बनी मासूम मायूस बैठी थी। वर्षवान ने उसे देखा तो फिर से शक पका गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। भाई भाभी सलाम, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि अगर आप यह सुन रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आप ठीक सुन रहे हैं, और अल्लाह के लिए मुझे भाभी मत कहिए। राजा वर्षपान ने जो रूपवती के मुंह से यह बातें सुनी तो उसके रहे से होश भी उड़ गए। जी, देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक शादीशुदा औरत हैं, गड़प इस तरह से की बातें करना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक क्या और गलत क्या, इस बात को जाने दीजिए, मैं आपकी थी और आपकी ही हूँ। आप अभी यह इधर उधर की बातें छोड़िए और मुझसे शादी कर लीजिए। वर्षवान को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। मित्र ख्वाजा, तुम इन्हें कुछ समझाओ, मैं तो असमंजस में पड़ गया हूँ, तुम ही बात करो। मैं क्या कहूँ, मैं तो वैसे परेशान हूँ, समझा समझा कर थक गया हूँ। रूपवती मुस्कुराकर कहने लगी, ये क्या कहेंगे आप, बोलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं अथवा नहीं? ख्वाजा उर्फ माधव ने राजा से कहा, दोस्त देख लो, अब तुम इस औरत को समझाओ, पता नहीं तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है, लोक लाज का भी इसे ख्याल नहीं रहा है। वर्षवान खींचकर रूपवती से कहने लगा, देखिए भाभी,
आपको इस तरह की बेबाक की शोभा नहीं देती। आप अपने पति की नजरों में गिर रही है और मुझे भी अपने दोस्त की नजरों से गिरा रही है, यह ठीक नहीं है। आप बार बार मुझे भाभी कहकर अपमानित क्यों कर रहे हैं? मेरे कोमल हृदय के लिए आप जो कठोर रवैया अपना रहे हैं, क्या यह ठीक है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक शादीशुदा औरत को एक पराए मर्द के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं है। शादीशुदा औरत पराया मर्द के लिए क्यों बुझा रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते तुम्हारा जी मुझसे भर गया है, तुम्हें मैं पसंद नहीं रही, अब मुझे उपदेश दे रहे हो? वर्षवान यह सुनकर सकपका गया। रूपवती के इन वाक्यों से जाहिर होता था कि वर्षवान का रूपवती और ख्वाजा की बीवी से पहले से संबंध था। ख्वाजा ने यह सुनकर वर्षवान की ओर संदेह भरी नजर से देखा। मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूं? ओह, मेरी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि यकीन करो मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। तुमने जब दावत में मिलवाया था इससे पहले मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी थी। हाय हाय, मैं लुट गई। अब तुम मुझे पहचाने से भी मना कर रहे हो, तुम्हें ये क्या हो गया? देखो देवी, तुम क्यों मुझे झूठा पर आरोप लगाकर अपमानित कर रही हो? तुम अगर मेरे मित्र की पत्नी न होती तो मैं तुम्हें अपने मान अपमान की तुम्हें चिंता मेरे नहीं, मुझे जो तुम बेइज्जत कर रहे हो, अगर इतना ही सामाजिक मर्यादा हुआ ख्याल था तो पहले ही सोचना चाहिए था। राजा वर्षवान का अपमान और क्रोध से बुरा हाल था। उनसे उनसे अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो पाया। अब अगर तुमने एक भी शब्द इस गंदी जुबान से निकाला तो जुबान खिंचवा दूंगा। आपने राजा होने की दोष दे रहे हो, साफ बताओ मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, तुम्हारे विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता तुमसे। एक बार फिर से सोचो राजा वर्षवान, वरना मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। मुझे क्या सोचना है? तुम्हारी इच्छा, जब चाहे चली जाओ, आज ही क्यों अभी ही चली जाओ, जहां तुम्हारा पति चाहे वहां जाओ। मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला? तुम जानो और तुम्हारा पति जाने, मैं तो चला। तुम्हारी मर्जी, मैं इस आदमी के साथ तुम्हारे कहने से अभी इस नगर से जा रही हूं, बाद में तुम्हें पछताना पड़ा तो मुझे दोष मत देना। मुझे भला क्यों पछताना पड़ेगा? और तुम किसी आदमी के साथ, क्या अपने पति के साथ जा रही हो? अपनी मर्जी से जा रही हो, ना कि मेरे कहने से। फिर वर्षवान ख्वाजा फुरकान से संबोधित हुआ। तुमसे बिछुड़ने का अफसोस तो होगा मित्र, पर यह मसला अगर इस तरह सुलझता है तो ऐसे ही सही। मुझे खेद है दोस्त, मेरी बीवी ने तुम्हें ना की परेशानी में डाल दिया। छोड़ो इसे, तुम तो मुझे निर्दोष समझते हो ना, बस इतना ही काफी है, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है। मगर आखिर इस औरत के दिमाग में यह सनक क्या पैदा होगी, मैं हैरान हूं। वर्षवान ने ख्वाजा से विदा ली और रूपवती के महल की ओर चल पड़ा। अब रूप से मिलकर ही कुछ सुकून मिल सकेगा। मगर रूपवती का अपने महल में कहीं कुछ पता नहीं था, न वहां रूपवती न उसका सामान था। वर्षवान ने रूपवती को बहुत ढूंढा मगर बेकार। यह रूपवती कहाँ चली गई? कहीं कहीं ख्वाजा की बीवी तो नहीं, यह कैसे हो सकता है? फिर भी चलकर देखूं। वर्षवान उल्टे पैरों दौड़ आया। वह कह तो रही थी कि मैं तुम्हारे कहने से इस आदमी के साथ जा रही हूं, मगर यह ख्वाजा की बीवी थी। वह ओफ। राजा वर्षवान जब ख्वाजा के महल पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसी बीवी को न पाकर हैरान रह गया। अरे, वह दोनों तो बड़ी जल्दी चले गए, और यहाँ यह क्या हो रहा है? इधर राजा वर्षवान के रवाना होते रूपवती ने ख्वाजा फुरकान और माधव से कहा, सुनो, अब हमें देर करना उचित नहीं, तुरंत चलो। अरे, मगर कुछ सामान तो ले लेने दो। नहीं, सामान की मैं कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर फिर भी कुछ रुपए पैसे कुछ तो ले लें। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें चिंता का क्या काम? अब जल्दी करो। अजीब हो तुम भी, अब इतनी जल्दी मचा रही हो, पर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम राजा क्रूर कर्मा के नगर सिंहगढ़ जा रहे हैं, अब जल्दी करो, देर करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मगर हमें सिंहगढ़ ही जाने की क्या जरूरत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, और इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तो सुनो, राजा वर्षवान मेरे महल गया है, जब उसे पता चलेगा कि हमने उसे बेवकूफ बनाया है तो यहाँ आकर वो हम दोनों की गर्दन काट देगा। यह सुनकर माधव के होश उड़ गए। मुझे मालूम था तुम जरूर कोई कोई फंसवाने वाला षड्यंत्र रच रही हो, मगर मुझ गरीब की तुम्हारे चक्कर में बिना वजह राजा से दुश्मनी हो गई, तुमने मुझे मरवा दिया। ओफो, बड़े डरपोक हो तुम तो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया और तुम मुझे दोषी बता रहे हो। सुनो, यह समय बहस का नहीं है, अभी तो भाग लेने में ही भलाई है। चलो तो फिर,
अब मैं यहां पर अकेला रुक भी तो नहीं सकता। इधर राजा वर्ष बांजब ख्वाजा और उपमाधव के महल में पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसकी बीवी रूपवती को न्याय पाकर हैरान रह गया। ख्वाजा के नौकर उसे सारा सामान समेटते नजर आए। अरे यह सब क्या हो रहा है, ख्वाजा कहाँ गया, उसकी बीवी कहाँ गई, और तुम सब यह सामान क्यों समेट रहे हो? महाराज हम तो किराए के नौकर थे, यह सब सामान भी किराए का है, इसलिए इसे समेट कर वापस ले जा रहे हैं बस। यह सुनकर तो राजा वर्षमान का दिमाग ही बन्ना गया। वह चीख कर बोले, किराए का? खैर मैं मजा चखाऊंगा उन दोनों धोखेबाजों को, वे गए किस ओर हैं सच बताना, वरना भी गर्दन काट गेरूंगा। महाराज वो दोनों घोड़े पर सवार होकर इस ओर गए हैं। मैंने बेगम साहब को कहते सुना था कि वे राजा क्रूरकर्मा के पास सिंहगढ़ जा रहे हैं। मुझसे बचने के लिए वो क्रूरकर्मा के राज्य में तो क्या पाताल लोक में भी चले जाए तो भी मैं उन्हें खोज ही लूंगा। मेरी तलवार उन दोनों के खून की प्यासी हो रही है। क्रोध में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर अकेला ही रूपवती और माधव की खोज में चल पड़ा। अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं दोनों दगाबाजों को रास्ते में ही पकड़ लूंगा। बेवफा औरत, मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मेरे पैसे खर्च करवाए और किसी और के साथ भाग गई, और इस ख्वाजा के बच्चे की भी अकल ठीक करनी होगी। उधर माधव और रूपवती, अब तो हम काफी दूर निकल आए हैं, घोड़ा भी थक गया होगा, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ी देर विश्राम कर लें। यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें आराम करने की सूझ रही है, इस जंगल में खाने को क्या मिलेगा, विष भरे फल बस। मैंने तुम्हें यूं इस तरफ आने के लिए नहीं कहा था, यहाँ के सारे रास्ते को कि मैंने अच्छी तरह से नक्शे में अध्ययन किया हुआ है। यहाँ से एक कोस दूरी एक बड़ा गाँव है, वहां से कुछ खाने को ले आओ, बड़ी भूख लगी है। माधव ने घोड़ा रोक कर एक पेड़ से बांध दिया और दोनों घास में बैठकर बातें करने लगे। एक कोस दूर गांव है, वहां से कुछ खाने को मिल जाएगा, यह तो ठीक है, मगर एक पैसा भी तो तुमने लेने नहीं दिया। अब मैं खाना लाऊं कहाँ से, मुफ्त में कौन देगा? मुफ्त में क्यों, यह मेरे सब जेवर ले जाओ, इन्हें बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करो, मैं यहीं आराम कर रही हूँ। इतनी लंबी घुड़सवारी से मेरी कमर दर्द कर रही है, वरना मैं तुम्हारे साथ चलती। अगर मुझे पैसे ले लेने देती तो तुम्हें जेवर तो नहीं बेचने पड़ते रूपवती। ओफो, जेवर तो फिर बन जाएंगे, पर उस समय देर करते तो वर्ष बांध हमारे सिर पर नया आ धमकता, और कहीं वह मेरे पीछे यहां पर आ गया तो पागल हुए क्या हुए हो, उसे क्या पता हम इस तरफ आए हैं। फिर भी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं, तुम्हारे लिए मैंने इतने कष्ट सहे सहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। माधव के जाने कोई 5 मिनट बाद रूपवती को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वो जरूर वर्ष बना रहा है, मैंने मौके से माधव को भेज दिया, वरना सारी योजना चौपट हो जाती। रूपवती ने तुरंत अपने बाल बिखरा लिए और उदास होकर बैठ गई। वर्ष बान का घोड़ा अब नजर आने लगा था। नंगी तलवार हाथ में, अगर सही मौके पर मैं माधव से छुटकारा न पा लेती तो एक क्रोध में अंधा जरूर ही हमारी गर्दन एक काट देता। राजा वर्षमान का घोड़ा और करीब आ गया तो रूपवती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, राजा वर्षमान के जुल्मों का शिकार हो गई। राजा वर्षमान ने रूपवती को देखा और उसे इस प्रकार विलाप करते सुना तो उसका खून खोल उठा। वह घोड़े से उतरकर रूपवती के पास गया। क्यों रे विश्वासघातनी, तेरा कथित पति कहाँ है? यहाँ अकेले बैठी चिल्ला चिल्लाकर मुझे क्यों कोस रही है? मेरा सब कुछ लूट कर मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें क्यों कोस रही हूं? अरे तुम्हें ही कोस सकती हूँ, या अपने भाग्य को? मुझे धोखा देकर उस नीच के साथ भाग आई और अब मुझे दोषी बता रही है। तेरी गर्दन अब तेरे सिर का बोझ सहन नहीं कर पा रही लगता है। हाँ, मार डालो, निर्दोष और ऐसा औरतों की गर्दन काटने और हुक्म चलाने के अलावा और तुम्हें आता ही क्या है? पहले तो खुद ही उस लफंगे के साथ मुझे जबरदस्ती भेज दिया और अब मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगाते हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें ख्वाजा के साथ भेजा है, तुम खुद अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करने के बाद भी मैं किसी ऐसे अरे गहरे के साथ कहीं भागने वाली लड़की हूँ? शर्म आनी चाहिए। मगर क्या ख्वाजा ने तुम्हें अपनी बीवी कहकर परिचय नहीं कराया था? कराया था तो क्या, क्या तुम अपनी अपनी रूप को पहचान नहीं सकते थे? और फिर ख्वाजा ने परिचय कराया था ने? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी हूं, पर तब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। राजा वर्षवानी यह सुनकर चक्कर में पड़ गया, मगर
और तब तो तुम मुझे भाभी वगैरह पता नहीं ये क्या क्या कह रहे थे, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, अपने पति के ही साथ रहो और भी जाने क्या क्या। मगर तुमने इस बात का प्रतिरोध क्यों नहीं किया कि ख्वाजा झूठ बोल रहा है? मैं तो शर्त के मुताबिक तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी, पर तुम्हारा वह दूर दोस्त तो इस बात का फायदा उठाकर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आया और मेरे सारे गहने छीन कर ले गया। वह गांव की तरफ गया, बेईमान लुच्चा लफंगा। राजा वर्षवान फिर से झांसी में आ गया। मुझे माफ करना रुक, पर पहले मैं उस नमकराम ख्वाजा से निपट लूं। वह किस तरफ को गया है? वह जंगल के बाहर गांव की तरफ गया है, जल्दी जाकर उसे पकड़ लो। राजा अपने घोड़े पर सवार होने को हुआ तो रूपवती ने उसे रोक दिया। यह क्या कर रहे हो, घोड़ा मत ले जाओ, वरना वह टापों की आवाज सुनकर भाग जाएगा। राजा को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बिना ही रूपवती ने राजा वर्षवान को पैदल ही दौड़ा दिया। बचकर कहाँ जाएगा मक्कार, जल्दी तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। राजा के जाते रूपवती राजा के घोड़े पर सवार होकर आगे भाग ली। वर्षवान का घोड़ा ले जाऊं, ख्वाजा का घोड़ा तो दो सवारियों को ढोकर थक गया होगा, तेज नहीं भाग पाएगा। उधर राजा वर्षवान ने ख्वाजा को दर्द पहुंचा। मक्कार विश्वासघाती, उतर घोड़े से नीचे, मैं आज तेरा टंटा ही काट दूंगा। रूपवती को जबरदस्ती उठा लाया और उसके जेवर छीन लिया लुटेरे। महाराज मुझे क्षमा करे, मेरा कोई अपराध नहीं, मैंने तो जो भी किया रूपवती के कहने से ही किया है, उसी ने मुझे जेवर बेच करके खाना लाने को कहा था। झूठ बोलते हो तुम रूपवती को बलपूर्वक साथ ले आए हो और उसके जेवर छीन लिए हैं, ऐसा खुद रूपवती ने मुझसे कहा है। महाराज अगर यह सच है तो वह एक नंबर की मकार औरत है, अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझे फंसा दिया है और आपको बेवकूफ बनाया है। खामोश, तुम जुबान को लगाम दो ख्वाजा, वरना इसे काट कर फेंक दूंगा। अपराध समाओ महाराज, मगर यह सच है कि वह लड़की हम दोनों को ही मूर्ख बना गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं कोई हीरो का सौदागर नहीं हूं, सरकार ने ही मेरा नाम ख्वाजा है। यह देखिए, मैं तो गरीब बंजारा माधव हूं, उसने शादी का लालच देकर मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। माधव से सारी बात सुनकर वर्षवान क्रोध से थर थराने लगा। अगर यह सच है तो उस चुड़ैल की खैर नहीं। सरकार, यह बिल्कुल सच है, मेरे महल से अपने महल तक उसने इसलिए सुरंग बनवाई थी। राजा वर्षवान क्रोध से कांपता हुआ घोड़े पर चढ़ने लगा। महाराज अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे साथ ले चले, आपको उस कमबख्त का सिर काटते देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगर ऐसा तो चलो तुम भी, एक से दो भले, मगर दो लोगों को ढोलेगा तू यह घोड़ा। बिल्कुल महाराज, बड़ा मजबूत घोड़ा है, पहले भी तो दो लोगों को यहां तक ढो लाया है, हमें क्या जंगल तक भी नहीं ले जाएगा? जंगल रूपवती अब वहां नहीं मिलेगी, उसने मेरा घोड़ा वहीं रुकवा लिया था, वह अवश्य उस पर बैठकर भाग गई होगी। तब तो सरकार वह जरूर सिंगड़ गई होगी, उसका ख्याल था कि राजा क्रूरकर्मा उसी कोई मदद कर सकता है। चलिए, उधर काफी दूर निकल जाने के बाद राजकुमारी रूपवती सिंहगढ़ के जंगलों में पहुंच गई। उसका घोड़ा और वह दोनों थककर चूर हो चुके थे। जंगल में उसने विश्राम के लिए घोड़ा रोका। मैं काफी दूर निकल आई हूँ, वे दो लोग एक घोड़े पर आ रहे हैं, उन्हें यहाँ तक पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक कुछ देर आराम कर लूँ, घोड़े को भी आराम की जरूरत है। आराम करने के लिए रूपवती लेटी थी कि उसे घोड़े पर सवार एक शिकारी उसी ओर आता दिखाई दिया। वह रूपवती से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा करके एक चट्टान पर लेटकर विश्राम करने लगा। रूपवती के दिमाग में एक योजना कुलबुलाई, उसकी आंखें चमक उठी। इस शिकारी का घोड़ा तो बहुत मजबूत मालूम पड़ता है, अगर मैं यह घोड़ा किसी तरह से हथिया लूं तो बात बन जाएगी, मगर कैसे कैसे? काल भी रूपवती ने सोचा, हाँ यह ठीक रहेगा, मगर कुछ देर पहले मैं विश्राम कर लूं, तब तक वृषभान भी करीब आ जाएगा, जिससे शिकारी को मेरी कहानी सच लगेगी। कुछ देर आराम करने के बाद रूपवती अपने रूप का जादू जगाने के लिए शिकारी के पास पहुंच गई। है बलिष्ठ युवक, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों बैठे हुए हो? अद्भुत परम सुंदरी, यह प्रश्न मैं भी पूछता हूँ कि तुम कौन हो और इस वीरानी में अकेली क्या कर रही हो? इस पर रूपवती नाटक करते हुए दुखी स्वर में उस शिकारी युवक से कहने लगी, मैं तो मुसीबत की मारी एक अभागी लड़की हूँ, दो लटेरे से बचती हुई दरार निकली हूँ, मगर तुमने अपना परिचय नहीं दिया युवक। मैं शूल वर्मा नाम का शिकारी हूँ, मेरा इतना परिचय बहुत है, किंतु वह लुटेरे क्या अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मगर तुम्हारे पास पास तो कुछ धन भी नहीं दिखाई देता।
बड़े नादान हो युग, क्या केवल धनी लूटा जाता है? और फिर स्त्री होना, सुंदर स्त्री होना तो धनी होने से ज्यादा खतरनाक है। वे लुटेरे मेरा पीछा करते हुए यहाँ आते ही होंगे। उन्हें आने दो सुंदरी, उन्होंने अभी वर्मा के शूल का प्रसाद नहीं चखा है। मगर वह दो हैं और दोनों के पास तलवारें हैं। शूल वर्मा, तुम कहीं मुसीबत में न फंस जाओ, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों के लिए नियता ही बहुत हूँ। फिर शूल लेकर तुम्हें चार से लड़ लूं। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए शूल वर्मा, वे दोनों बड़े कुशल तलवार चलाने वाले मालूम पड़ते हैं और घोड़े पर सवार थे। इसलिए सोच लो, तुम शायद मुझे मामूली शिकारी समझ रही हो। बताओ किस तरफ हैं वे लुटेरे? वे तो मेरा पीछा करते हुए अभी खुद ही यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर भी किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख लो कि कितनी दूर रह गए हैं। पेड़ पर चढ़कर चलो, ऐसे ही मैं भी देख लेता हूँ। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखना, यह भी हो सकता है कि तुम्हें मेरे साथ देखकर वे कहीं छुप गए हों। मेरा ख्याल है वह ऊंचा पेड़ ठीक रहेगा, उससे तुम पूरे जंगल में चारों ओर नजर घुमाकर देख सकते हो। हाँ, मगर वह तो बहुत ऊंचा पेड़ है, उस पर चढ़ पाना तो कठिन है। अरे कैसे शिकारी हो, पेड़ पर चढ़ना कठिन बता रहे हो? आओ मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाती हूँ, चलो। तुम भला मुझे इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ाओगी? और अगर चढ़ा भी दिया तो इस पेड़ से उतरना तो बहुत भी कठिन है। मैं चढ़ने उतरने का चक्कर ही खत्म कर रही हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठी ला देख रहे हो, उस पर अपना घोड़ा खड़ा करो और उस पर खड़े होकर डाल पकड़ लो। बात तो ठीक है तुम्हारी सुंदरी। शूल वर्मा रूपवती के बताए रास्ते से किसी तरह ऊपर तो चढ़ गया, मगर उससे ऊपर चढ़ते ही रूपवती शूल वर्मा के घोड़े पर बैठकर भाग ली। शुक्रिया शूल वर्मा, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। कमबख्त, यह लड़की तो बहुत ही तेज है, मेरा घोड़ा चुरा कर ले गई। वह दो जने घोड़े पर चढ़े ही इधर ही आ रहे हैं, लुटे रहे हैं, या फिर इसी लड़की है मेरी तरह सताए हुए मासूम। कुछ देर बाद जब राजा वर्षवान और माधव वहां से गुजरे तो शूल वर्मा ने आवाज देकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अरे तुम कौन हो भाई, और इसी ऊंचे पेड़ पर क्यों चढ़े बैठे हो? किसी लड़की को घोड़े पर इधर से जाते तो नहीं देखा? तुम इतनी ऊपर चढ़ कैसे गए भले मानस? कमाल है, बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। पहले मुझे नीचे उतारो, जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो उसी की कृपा से मैं यहाँ अटका हूँ। राजा वर्षवान और माधव ने शिकारी शूल वर्मा को नीचे उतार कर सारी कहानी सुनी। माधव ने फिर शूल वर्मा को अपनी कहानी भी सुनाई। और इस तरह शूल वर्मा, वह लड़की हम दोनों को दो बार बेवकूफ बना गई, अब तुम्हारा घोड़ा भी हत्या ले गई है। मित्र माधव और महाराज वर्षवान जी, अब वह आप दोनों का ही नहीं मेरी भी शत्रु है। अब आप उसे जब पकड़कर दंड देंगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी, मुझे भी साथ ले चलिए। वर्षवान असमंजस में पड़ गए, मगर माधव ने भी जोर दिया, हाँ, ले चलिए महाराज, दो से तीन भले, शूल वर्मा हमारे किसी काम ही आएगा, हर्ज क्या है। अच्छा तो चलो, मुझे अपना घोड़ा मिल गया है, उस पर मैं बैठूंगा और तुम अपना घोड़ा संभालो। दो सवारियां ढोकर तुम्हारा घोड़ा कुछ थक चुका है, इसलिए शूल वर्मा मेरे साथ बैठ जाएगा। धन्यवाद महाराज, अब बड़े कृपालु हैं, चलो माधव। किंतु वह जंगल पार भी नहीं कर पाए थे कि श्याम गहराने लगी। यह देखकर इन लोगों ने अपने घोड़े पेड़ों से बांधे और विश्राम करने लगे। शूल वर्मा, तुम कुछ भोजन का प्रबंध करो, कोई छोटा मोटा शिकार मार लाओ, और महाराज मैं तब तक आग लगाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ, और आप घोड़ों के पास बैठकर इनके जंगली जानवरों से सुरक्षा करें। इधर रूपवती जंगल पार करके सिंहगढ़ में प्रवेश कर गई। श्याम गहराने लगी है, मुझे अब कहीं पर रात काटने का इंतजाम करना चाहिए। सुबह साहिल महल में जाकर राजा क्रूरकर्मा को मैं अपने जाल में फंसाऊंगी और अपनी योजना का अगला चरण पूरा करूंगी। ऐसा सोचकर रूपवती ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और एक मकान में रात काटने के विचार से चली गई। संयोग से वगैरह सिंहगढ़ के मशहूर ठग दुर्बद्धि शर्मा का था। सुने श्रीमान, क्या मुझे रात काटने के लिए आपके घर पर शरण मिल सकती है? अहो देवी, यह तो इस घर का सौभाग्य है कि तुम जैसी अनिंद सुंदरी गजगामिनी यहाँ पर रात काटना चाहती है। आओ आओ, स्वागत है। यह ब्राह्मण बहुत तेज मालूम पड़ता है, मुझे रात्रि में सतर्क रहना होगा, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। रात को भोजन के पश्चात इसके दूध में यह बेहोशी की दवा मिला देता हूँ,
भले घर की घर से भागी हुई लड़की जान पड़ती है, बदले में से घर वाले मुंह मांगी रकम दे देंगे। मगर रूपवती ने चालाकी से दूध बदल दिया। वो दूध दूध पीने के बाद दूरबद्धि महोदय पलंग पर लुढ़क गई। चलो अब रात को मैं चैन की नींद सो सकूंगी। रूपवती ने दूरबद्धि को पलंग से बांध दिया और आराम से दूसरे पलंग पर सो गई। कुछ देर आराम कर लूं, सुबह मुंह अंधेरे मुझे यह घर छोड़ देना है। अगले सुबह राजा वर्षवान माधव तथा शूलवर्मा ने सिंहगढ़ में प्रवेश किया। कुछ दूर चलकर शूलवर्मा जोर से चिल्ला पड़ा, वह चालाक को रथ पकड़ी गई महाराज, वह देखिए इस मकान के बाहर मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है। घोड़ा यहाँ तो जरूर रूपवती भी यही होगी। देखते हैं, अगर वह भीतर मिल गई तो देखते मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। पिछली बार मैंने बातों में देर कर दी थी, उसने मुझे धोखा दे दिया था। मगर कमरे के भीतर का तो नजारा ही कुछ और था। मकान मालिक दुर्बद्धि शर्मा पलंग पर बंधा हुआ छटपटा रहा था। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी? क्या वही लड़की तुम्हें बांध गई है मित्र? हाँ, एक सुंदर लड़की रात को यहाँ आई थी, उसी ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मगर तुम लोग कौन हो, मेरे घर में क्यों आ घुसे हो और उस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? माधव और शूलवर्मा ने दुर्बुद्धि को खोला और अपनी सारी कथा कह सुनाई। यह वह तो वाकई बड़ी बदमाश औरत है, या मुझे भी पलंग से बांध कर मेरा ऊँट लेकर चली गई है। खैर आखिर जाइए कहाँ, सिंहगढ़ का राजमहल उसका आखिरी पड़ाव है, मैं वहीं उसकी गर्दन काट डालूंगा। महाराज आप जल्दबाजी न करे और क्रोध से काम न ले। क्या कहना चाहते हो तुम माधव साहब को? मैं यह कहना चाहता हूँ महाराज जी, कुरुकर्मा बड़ा अत्याचारी और जालिम है, उसके महल में आपका तन हार जाना खतरे से खाली नहीं है। राजा वर्षवान कभी खतरों से नहीं डरता बंजारे, मैं रूपवती के साथ साथ कुरुकर्मा का भी सिर काट लाऊंगा। सत्य है महाराज, बहादुरों के लिए खतरे का क्या महत्व। मैं अपने शूल के साथ आपके साथ चलूंगा महाराज। 150 के लिए आप काफी हैं, तो 10-20 पर मैं भी भारी पड़ूंगा। ठहरो शूलवर्मा, माधवा कहना ठीक है, अभी छती तो दिखाने का समय नहीं, वरना अपनी आनी है। और आप महाराज कृपया अपनी पगड़ी भी यहीं उतार दे। क्रूर कर्मा को अगर भनक भी पड़ गई कि आप यहाँ बिना सेना के मौजूद हैं, तो वह आपको अवश्य कैद कर देगा। जान से भी मार सकता, मान से बार सिंह 100 कुत्तों से गिर जाए तो गर्जना वह भले ही न भूले, खतरा तो उसे है ही। अच्छा तो तुम ही बताओ फिर कैसे और क्या किया जाए। महाराज अपना राज परिधान यहीं उतार दो, 6 दान वस्त्रों में हम लोग पैदल ही महल की ओर चलेंगे, जिससे हम पर लोगों का ध्यान खामखा न जाए। बिल्कुल, पहले चल गई है तो पता करें कि रूपवती कुरुकर्मा के महल में है भी या नहीं, अगर होगी तो फिर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, बस काम सिद्ध होना चाहिए। वर्षवान मान गया। कुछ देर बाद चारों सामान्य कपड़ों में बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। उधर रूपवती कुरुकर्मा के निजी कक्ष में जा पहुंची। महाराज अकेली लड़की, यह लड़की आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है तुम जाओ, हम इससे बात करेंगे। हमसे अकेले में? वाह, यह तो हिरण खुद ही सोए हुए शेर के मुंह में चलाया, वाह। सैनिक के जाने के बाद कुरुकर्मा ने कहा, ओ सुंदरी, हमसे तुम क्यों मिलना चाहती थी और हम तुम्हारा क्या प्रिय कर सकते हैं? मर्ग नैनी, मैं विजयगढ़ के राजा विजय सिंह की छोटी लड़की रूपवती हूँ और तुम्हारी वीरता के चर्चे सुनकर तुमसे शादी करने के लिए घर से भाग आई हूँ। क्रूर कर्मा बड़ा रंगीला और लंपट राजा था। उसने जब रूपवती जैसी सुंदरी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वह फूलकर कुप्पा हो गया और उसे मुंह में पानी भराया और वह अपना धीरज और विवेक खोने लगा। अब आगे आपकी जैसी भी इच्छा हो। अरे अरे, यह क्या कह रही हो रूपसी, हम तो तुम्हारे दास हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो, हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह तो आपकी मानता है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, वरना दासी इस योग्य है कहाँ। खैर आपका यह बड़पन देखकर मुझे कुछ और भी कहने का साहस हो रहा है। हाँ हाँ सुंदरी, कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, हमसे भला कैसा हिचकिचाना, कहो देवी, जो दिल में हो कहो। विवाह से पहले एक शर्त, बल्कि शर्त क्या, एक प्रार्थना है। हाँ हाँ कहो, प्रार्थना क्या, आदेश दो प्रिय। मैं चाहती हूँ विवाह से पहले एक दिन के लिए आप मुझे शहनशाह बना दे। शहनशाह एक दिन के लिए? क्या बात करी हो प्रिय, तुम तो हमारे दिल की रानी हो, जिंदगी भर हमारे दिल के सिंहासन पर राज्य करो। ये राजनीति है प्रिय, शासन करना तुम जैसे कोमलांगी का काम नहीं है। दरअसल बात यह है महाराज, रास्ते में 4 बदमाश मेरे पीछे लग गए थे,
वे मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मैं राजा बनकर उन्हें दंड देना चाहती हूँ। हमें आदेश दो रानी, अभी उन चारों को पकड़ मंगाते हैं, जो चाहे सजा खुद ही देना। इस समय तो अगर तुम इन सब रुखी बातों को छोड़कर हमारे साथ बैठो, हमें आनंदित करो, हम और विलंब नहीं कर सकते। महाराज तनिक धैर्य रखिए, मैं खुद आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती, परंतु आप एक स्त्री के हृदय को समझिए। पहले मैं राजा बनकर उन चारों चोरों को दंडित कर लूं, फिर मैं आपकी सेवा करूंगी। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो यूं ही सही, आज तुम ही राजा करो। धन्यवाद महाराज, आपने दासी का मान रख लिया, किंतु तो आपके सिंहासन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं पुरुष वेश में राज्य करूंगी। आप ऐलान करवा दे कि आज का शासन आप आपके मित्र लंबगिरी संभालेंगे, बस बाकी काम मैं कर लूंगी। हा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, अब तो तुम ही हमारी रानी हो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और आधे घंटे के बाद रूपवती लंबगिरी बनी हुई राजगद्दी पर बैठी। सबसे पहले तो हम सभी किसानों के लगान व सभी नागरिकों के कर माफ करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाई, रूपवती और लंबगिरी ने आगे कहा, दूसरे हम शहर कोतवाल को आदेश देते हैं कि महल के पास चार चोर आने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए और शहर के सभी चोर उचक्कों को हवालात में बंद कर दिया जाए। वाह, हमारे नए महाराज का तो जवाब नहीं, महाराज को नागरिकों की सुख शांति का कितना ख्याल है। वाह वाह, हमारे नए महाराज तो ईश्वर का अवतार है, अब शहर की हवा में कैसी शांति होगी। वाह, मगर हमारे यहाँ सौभाग्य एक ही दिन का है, फिर महाराज क्रूर कर्मा कल से शासन करेंगे। यही अवसर है जनता बगावत कर दे और महाराज लंबगिरी को अपना महाराज चुन ले और क्रूर कर्मा को उस सिंहासन से हटा दे। क्यों रामू, मगर बगावत करने की हिम्मत किस में है मनोहर, कौन महाराज क्रूर कर्मा का विरोध करेगा। उधर शहर कोतवाल इन चारों को नजर पड़ते ही पकड़ लिया उधर शहर कोतवाल ने इन चारों को नजर पड़ते ही पकड़ लिया गिरफ्तार कर लो इन सैनिकों, इन्हीं का महाराज ने हुलिया बताया था, पकड़ लो इन चारों को। चोर बेवकूफ, मैं राजा हूं, तमीज से बात करो। तू राजा है? अबे किराए के कपड़े पहनकर कोई भी राजा बन सकता है, बाकी लोग भी अपना परिचय दे। आप भी कोई महाराजा राजा है क्या? जी नहीं, मैं बन जा रहा हूँ, ये शिकारी है और वह एक ठग है, परंतु यह वाकई राजा है। वाह वाह, राजा के साथी ठग बंजारा और शिकारी, वाह वाह। शहर कोतवाल ने राजा वर्षवान की एक भी नहीं सुनी, राजा वर्षवान ने आखिर चुप ही रहना ठीक समझा। कोतवाल चारों को पकड़कर महाराज लंबगिरी के पास ले आया। ये रे आपके चोर महाराज। महाराज हम चोर नहीं है, हम तो एक सुंदर लड़की द्वारा ठगे गए हैं, उसी की खोज में भटक रहे हैं। हा, लड़की द्वारा ठग ले जाने वाले तुम चारों पुरुष भी खूब हो। खैर आगे कहो, उस लड़की से तुम्हें क्या शिकायत है? महाराज मुझे रात को पलंग से बांधकर वह मेरा ऊँट ले गई, बड़ी चतुर है वह। अच्छा, तुम साई पशुशाला से एक अच्छा सा ऊँट ले लो। मुझे तो कोई खास परेशानी नहीं महाराज, मेरा घोड़ा उसने चुराया था, वह मुझे वापस मिल गया बस। खैर अपनी परेशानी के वजह में तुम शाही खजाने से 10 मोहरे ले लो। मुझ गरीब को शादी के लालच में फंसाकर उसने मुझसे कई उल्टे सीधे काम कराए महाराज, बाद में मुझे धोखा देकर भागे। खैर तुमने जो मानसिक कष्ट उठाए उसकी तो हम भरपाई नहीं कर सकते, तो भी शाही खजाने से तुम्हें 100 मोहरे दिला देंगे। अब तुम कहो, अगर वह लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज मेरे साथों से बड़ी बेवफाई की, मुझे अगर वह मिल जाए तो मैं नंगा करके उसे मैं कोड़ों से पिटवाऊं। रूपवती और लंबगिरी ने यह सुनते ही पैर से जूते निकालकर 5 बार राजा के सिर पर मारी। वह कहा, एक औरत के बारे में इस तरह बात की जाती है? खुद को राजा कहते हो, बात करने की तमीज भी नहीं। राजा वर्षवान का अपमान से खून खोल उठा, वे लंबगिरी का युद्ध के लिए ललकारना भी चाहते थे। उनका माथा ठनका, महाराज क्या आप बताएं महाराज क्या आप बताएंगे, आपने मुझे 5 जूतियां ही क्यों मारी? जरूर हमारे कमरे में आकर हमसे मिलो, हम वहीं तुम्हें जवाब देंगे। और जब कमरे में जाकर वर्षबान को असलियत का पता चला, वाह तुम्हारा जवाब निरुप, तुमने अपनी शर्तें पूरी करी दी, हमें इस अपमान पर भी खुशी हो रही है। महाराज ये आपकी मानता है कि आपने दासी को इतना जघन्य अपराधी क्षमा कर दिया, परंतु मैंने आपकी प्रतिष्ठा का विचार करके ही
यह योजना बनाई थी। मैं किसी ऐसी जगह यह शर्त पूरा करना चाहती थी जहाँ को कोई जानता न हो और बात गुप्त रहे। आपका अपमान न हो। नक्शों व किताबों का अध्ययन करके मुझे सिंहगढ़ ठीक लगा। यहाँ का राजा भी आसानी से मेरी मुट्ठी में आ सकता था। यहाँ की प्रजा भी अपने अपने राजा से खुश नहीं है। आप चाहे तो क्रूर कर्मा का वध करके यहाँ का राज्य हथिया सकते हैं। लगे हाथी यह कार्य भी संपन्न कर दीजिए। प्रजा को मैं अपने हक में कर ही चुकी हूँ। तुम सिर्फ बुद्धिमानी नहीं हो रूप, एक चतुर राजनीतिक भी हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब क्रूर कर्मा का वध करके यह अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। प्रिया, क्रूर कर्मा को युद्ध में पराजित करना वर्षवान के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। वर्षवान चतुर राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धि से भले ही हार गया था, शक्ति और पुरुषार्थ में युद्ध कौशल में उसे हराने वाला कोई न था। क्रूर कर्मा की हत्या पर प्रजा प्रसन्न थी। स्वाइट माधव को अपने प्रतिनिधि के रूप में वर्षवान ने सिंहगढ़ का राजा बनाया। दुर्बुद्धि शर्मा का पेशा जरूर बुरा था, मगर वह चरित्रहीन नहीं था और बुद्धिमान तो था ही। उसे मंत्री बनाकर शासी शूलवर्मा को सेनापति बनाया और रूपवती के साथ लौट आया। कहने की जरूरत नहीं कि सिगरी वर्षवान ने रूपवती से शादी करी। समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही मजेदार और अच्छी कॉमिक्स थी, पढ़ने में मजा आया। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।